हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। मैं अनीता जैन। आज आलू प्याज की सब्जी बनाएंगे, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। आलू प्याज की सब्जी बनाने के लिए मैंने लिए 4 आलू और 4 ही प्याज लिए। अगर आप ज्यादा प्याज पसंद करते हो तो आप इसमें प्याज बढ़ा सकते हो और आलू को कम कर सकते हो, जैसी आपकी इच्छा हो। और ग्रेवी के लिए लिए है मैंने 4 प्याज, 3 टमाटर, अदरक, हरी मिर्ची, लहसुन और ये मैंने चुकंदर के 2 पीस लिए हैं। इससे ग्रेवी में अच्छा कलर आता है। अब इन सबको तो मिक्सी में पीस लेंगे और इन्हें छिलके हटा के इनको बारीक काट लेंगे। ये मैंने ग्रेवी के लिए टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची सभी चीज काट लिए। अब इसे जार में डाल देंगे और इन्हें पीस लेंगे। ये मैंने आलू और प्याज को इस तरह से काट लिया और ग्रेवी बना ली है। अब हम आलू प्याज को फ्राई नहीं करेंगे। अगर फ्राई कर रहे हो तो आप फ्राई तेल में कर सकते हो, लेकिन मैं फ्राई नहीं कर रही हूँ। मैं इन्हें कुकर में डाल दूंगी। और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, ज्यादा नहीं, क्योंकि कुकर में लग जाता है। बस इतना सा ही डालेंगे और ढक्कन लगा देंगे और इसे गैस पर रख देंगे और 1 सीटी आने के बाद हम गैस बंद कर देंगे। अब हम ग्रेवी तैयार करेंगे। ग्रेवी तैयार करने के लिए मैंने कढ़ाई रख दी है गैस पे। आप इसे ऑयल में भी बना सकते हो और घी में भी बना सकते हो। मैं आज इसे घी में बना रही हूँ। 1 बड़ा चम्मच घी का डाल देंगे। घी को आप अपने हिसाब से कम ज्यादा भी कर सकते हो, लेकिन हम आलू प्याज की सब्जी बना रहे हैं तो घी तो अच्छी तरह ही डलेगा। अब घी को मेल्ट होने देंगे, गैस फुल कर देंगे। घी गर्म हो गया, अब गैस सिम कर देंगे और 1/2 चम्मच जीरा डाल देंगे। थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे, 1/4 चम्मच करीब। हल्दी डालने से तेल घी उतरेगा नहीं, इसलिए हमने डाल दिया। अब ये ग्रेवी डाल देंगे जो हमने बनाई थी। इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसे भी डाल देंगे और हम मिक्स कर लेंगे। अब इसे हमें पकाना है। हम इसे ढक देंगे और 10 से 15 मिनट करीबन तक पकने देंगे। 15 मिनट करीबन हो गए हैं। बीच में मैंने एक बार चेक कर लिया था। अब इसमें हम बाकी की सामग्री डाल देते हैं। ये मैंने मलाई ली है, दूध के ऊपर की जो मलाई होती है वो ही ली है मैंने। 1/4 तक करीबन है ये, इसे डाल देंगे। ये मेरे गाय के दूध के ऊपर की मलाई है। अब इसमें बाकी के सामान डाल देंगे। 1 चम्मच मैंने लाल मिर्ची ली है, ये अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो। 1 चम्मच नमक डाल देंगे। हल्दी पाउडर हमने पहले डाल दिया था। 1/2 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे और इन सबको मिक्स कर लेंगे। गैस सिम भी रखी है इस समय और मैंने गैस सिम पर ही 15 मिनट तक ग्रेवी को पकाया है। अब इसे वापस पकने देंगे, करीबन 10 मिनट तक पकने देंगे। 10-12 मिनट करीबन हो गए हैं। मैंने बीच में 1 से 2 बार चेक कर लिया था। जब ये घी ऊपर आ जाए तो ग्रेवी पक जाती है। अब इधर चेक कर लेते हैं कुकर को। 1 सीटी ली थी, भाप खत्म हो गई है। हमारे थोड़े से कम है तो हम इसे ग्रेवी में डालेंगे, बाकी ग्रेवी में पक जाएंगे। इसे ग्रेवी में डाल देंगे पूरे को। ये सभी आलू प्याज ग्रेवी में डाल दिए। 1 हरी मिर्ची ली थी, इसे इस तरह से काट लिए, ये ऑप्शनल है। और हम इन सबको मिक्स कर लेंगे। आलू हमारे पूरे सीजे नहीं है तो इन्हें हमें और सीजोना है। मिक्स कर लेंगे और इसे वापस ढक देंगे। अब इसे ढक देंगे और 5 से 7 मिनट करीबन तक पकने देंगे। 10 मिनट करीबन मैंने पकाया है। अब इसमें हम गरम मसाला डालेंगे। 1/2 चम्मच करीबन गरम मसाला डाल देंगे। आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो। और हरा धनिया डाल देंगे और गैस बंद कर देंगे और सब्जी को मिक्स कर लेंगे और बाउल में निकाल लेंगे।
ये हमारी आलू प्याज की सब्जी बनके तैयार हो गई है। अब इस तरह से आप भी ट्राई कीजिए। मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए और आने वाले सभी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।